शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या है यानी सबसे अधिक है, तो इसका सही जवाब कौन नंबर यानी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ये अभी सोशियोलॉजी चल रहा है। भारत में निम्नलिखित धार्मिक अल्पसंख्यक समूह में से संख्या सबसे बड़ा कौन है, तो इसका सबसे ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा नंबर है, भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, तीन नंबर का सही जवाब घर नंबर यानी उपरोक्त सभी होगा। चौथा क्वेश्चन, तो हम लोग अभी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग 15 क्वेश्चन को सोशियोलॉजी पढ़ने के बाद 15 क्वेश्चन को हम लोग म्यूजिक के पढ़ेंगे। तो चौथा क्वेश्चन आजुचन आ चुकी है, किसने कहा समुदाय एक ऐसा सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक सभी पहलुओं का समावेश करता है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ख नंबर यानी के डेविस। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, जनजातीय आंदोलन में किसने भूमिका अदा की है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, घ नंबर सॉरी पांचवा क नंबर यानी बिरसा मुंडा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, छठा क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, क्या सामाजिक परिवर्तन में भूमिका निभाते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, छठा नंबर का घ नंबर यानी सभी, टीवी समाचार पत्र रेडियो यानी सभी होगा इसका सही जवाब। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, सातवां क्वेश्चन है, औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो इसका सही जवाब ख नंबर यानी छत्तीसगढ़ में औद्योगिकरण सबसे ज़्यादा है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आठ नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा, अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री में भी मदद करेगी। तो अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन, हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रहा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, आठ नंबर का ग नंबर यानी पंजाब में सबसे ज़्यादा सफल रहा। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, नौवां क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज एक्ट कब पारित हुआ, तो इसका सही जवाब घ नंबर यानी नौ का घ नंबर यानी 1948 ईस्वी में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन दसवां क्वेश्चन कर लेते हैं, दसवां क्वेश्चन क्या है, यह भूमि सुधार किस राज्य में सर्वाधिक सफल रहा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दस नंबर का ग नंबर यानी पश्चिम बंगाल में। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्यारहवां क्वेश्चन, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उच्च है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 11 नंबर का यानी गौ नंबर सही जवाब समाजवाद। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कि भारतीय जाति व्यवस्था एक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 12 नंबर का सही जवाब ख नंबर यानी जाति व्यवस्थाएं है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 13वां क्वेश्चन आ चुकी है पूरी तरीके से, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं, 13 नंबर का सही जवाब गौ नंबर यानी धर्म है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 14वां क्वेश्चन है, तो 14वां क्वेश्चन आ चुके पूरी तरीके से, प्रजातंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता की सरकार परिभाषा किसने दी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 14 नंबर का ग नंबर यानी अब्राहम लिंकन ने दिया था। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग सोशियोलॉजी का अंतिम क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद हम आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 15 नंबर का क नंबर यानी लर्नर। तो हम लोग सोशियोलॉजी को 15 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब थोड़ा सा स्किप करके अब हम लोग देख लेंगे, इसे हम लोग शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन को हम लोग म्यूजिक का, राग भीम पलासी का गायन समय क्या है, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी ख नंबर सही जवाब सायकाल। अब अगला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन थे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दो नंबर का ग नंबर यानी सारंग देव। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, तिलवार ताल में कितनी मात्राएं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा यानी तीन नंबर का घ नंबर 16। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, राग देश का समाजवादी स्वर क्या है, तो चौथा क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ख नंबर यानी प। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, ध्रुववाद की कितनी वाणियां हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, पांच नंबर का सही जवाब ख नंबर यानी चार। अब अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है छठा क्वेश्चन, कहरवा ताल में कितने विभाग है, तो इसका सही जवाब छठा नंबर।